टू एसबी फैशन हब। तो आज मैं आपको स्टाइलिश जो कफ्तान ड्रेस है ना, पेरिसिया ड्रेस जो ऋतु मैम ने पहनी थी, उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए ना हमें 4 मीटर फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी, और फैब्रिक का अर्ज ना थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसकी लंबाई जो अर्ज की तरफ से निकलेगी, ठीक है, तो उस अर्ज का आपको फैब्रिक लेना है। और ये देखिए, ये थोड़ी मैंने लेस ली है, 4 मीटर फैब्रिक लिया है। और एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ कि मेरे पास ना फैब्रिक कम था तो मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है, लेकिन आप जब कपड़ा लेंगे ना तो आप 4 मीटर इकट्ठा ही कपड़ा लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करना है किनारी की ओर से और बिछा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी साइड से हमको इसको फोल्ड करना है। और मैं बार बार आपको एक चीज बता रही हूँ कि सिर्फ एक ही साइड हमारा जोड़ इसमें दिखाई देगा, आपको 4 मीटर टोटल कपड़ा लेना है। लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने जोड़ लगा दिया साइड में, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हमें चौड़ाई की तरफ से मैंने फोल्ड किया है और इसको मैं ऐसे बिछाऊंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। जो इसके अर्ज की तरफ से हमें इसकी लंबाई निकालनी है, तो ये देखिए जो ये हिस्से हैं ये तो हमारे बंद है पूरे, और इधर की साइड जो आएगा वो हमारा एक हिस्सा खुला और एक हिस्सा बंद आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक हिस्सा हमारा ये बंद है, ये हमारा खुला है। हम इसको भी ना सबसे पहले सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। और इसमें मैं बता देती हूँ, ये फ्री साइज बनेगा, इसमें कोई नाप नहीं है। और जो इसकी लंबाई है, सिर्फ लंबाई का नाप बता देती हूँ, जितनी आप लेना चाहो उसमें प्लस 1 इंच करके रख लो। यहाँ मुझे 44 इंच रेडी करनी है तो मैंने 45 इंच लंबाई ली है। तो सबसे पहले जो ये खुला हिस्सा है ना, उल्टी साइड करके मैं इसको भी ज्वाइंट कर लूंगी फोल्ड करके। तो चलिए मैं इसको एक बार ज्वाइंट करके लाती हूँ, फिर बता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और नीचे से ना मैंने 7 से 8 इंच के लगभग बिना स्टिच का छोड़ दिया है, क्योंकि फ्रंट से ओपन खुलेगा इसीलिए। ये देखिए, मतलब 12-13 इंच छोड़ा है मैंने, तो फोल्ड होगा तो 12 इंच रह जाएगा, ठीक है। तो आप 10 इंच 8 इंच 9 इंच जितना छोड़ना चाहो अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकती हो। और ये सेटिन का फैब्रिक मैंने लिया है, आप क्रेप, सेटिन, रियोन, ऐसे ही जो कपड़े थोड़े ढीले से होते हैं ना, लूज फैब्रिक्स होते हैं, सिल्क, उसी में बना है। अब मैं इसको देखो सीधा कर लूंगी, और सीधा करने के बाद ये देखिए, इसको पलटने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से इसका आ रहा है, आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना, जितना लंबा हमने नेक बनाना है ना, उतना हम यहाँ से छोड़ देंगे नेक की साइड से। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं 6.5 इंच का नेक रेडी करूंगी, तो ये देखिए, तो ठीक है, जो हमने ये लेस ली है ना, देखिए इस लेस को हम इस निशान से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 6.5 इंच है तो 6 इंच से रखना शुरू करेंगे सिलाई के इधर, ये देखिए, और सिलाई के इधर। आप चाहो तो इसको नेक के साथ भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। तो मैं इसको नेक के साथ लगाऊंगी, जस्ट मैं बता रही हूँ। अगर आप नेक के साथ नहीं लगाना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से रख के इसको लगा सकते हो, बट मैं नेक के साथ ही लगाऊंगी। तो इसके लिए हमें नेक तैयार करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बताया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया हुआ है नेक के लिए, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नेक तैयार किया है। नेक की कटिंग स्टिचिंग मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, तो ठीक है, और उसको कपड़े पे सिल लिया है। नेक मेरा 3 इंच चौड़ा है और ग्लास शेप में मैंने नेक कट किया है, और 6.5 इंच मेरा लंबा नेक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको ना सेंटर का कट लगाएंगे नेक में, ये देखिए, और इसको, ये सेंटर तो हमारा पता ही है नीचे का, तो इसको इसके साथ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से स्टिच करके, और फिर इसको पलट लेंगे। तो मैं इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक मैंने जोड़ा, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा जैसे काटती हूँ हमेशा वैसे करके कट कर लूंगी, ठीक है। और इसको अलग ही रखते हैं, ये देखिए नोचीज हम लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास कपड़ा कम था तो मेरे पास इसलिए बैग में भी जोड़ आएगा। आप अदरवाइज 4 मीटर पूरा कपड़ा लेंगे तो आपके कपड़े में जोड़ नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया, इसको हम प्रेस से सेट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और कच्ची सिलाई लगाना चाहे तो हम इसको कच्ची सिलाई लगा के भी सेट कर लेंगे, बाद में हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। अब हम इसको दोबारा एज इट इज वैसे ही एक बार बिछाएंगे जैसे हमने पहले बिछाया हुआ था, क्योंकि हमें बैक का नेक लेना है सेंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके ऐसे हम इसको बिछाएंगे, ये देखिए आ गया, आप देख सकते हो, है ना। तो सेंटर हमारा आ गया ऐसे ही, ठीक है। अब हमें बैक नेक का निशान लगाना है, तो बैक नेक का निशान हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम हमेशा बैक का निशान लगाते, देखिए जैसे जोड़ा तो पीछे वाला हिस्सा आ गया, तो यहां से हम अपना, जैसे कि हमने 3 इंच रेडी लिया है तो यहां से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच की हम पट्टी लगाएंगे उसमें चला जाएगा, तो 3 इंच हमारा नेक रेडी हो जाएगा। 3 इंच चौड़ाई, 2.5 इंच चौड़ाई लेनी है,
और जितना आप पीछे से डीप रखना चाहो, मैं सिर्फ यहाँ 2.5 इंच डीप रख रही हूँ, ये देखिए, और इसकी गोलाई दे देनी है, और उरे भी सहायता से इसको कट करके और उरे पट्टी की सहायता से हमको नेक को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, नेक तो कट हो गया, इसको भी हम रेडी कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए जो हमने ये नेक बनाया ना, इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे, देखिए, और जो ये नेक के सेंटर की आपको सिलाई दिख रही है ना फ्रेंड्स, मैं मशीन पे वैसे दिखाऊंगी आपको अभी, ये देखिए हमें क्या करना है, देखो यहां से नेक के कोने से हमें शुरू करनी है लेस लगानी अपनी, और ऐसे करते हुए पूरा नीचे तक ले जानी है दोनों साइड से। तो ये मैं आपको मशीन पे एक बार दिखाती हूँ, नेक की तरफ से मैंने इसको लगाना शुरू किया सीधा सीधा, जब कॉर्नर पे आए ना तो मैंने इसको ऐसे करके थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और अपनी सिलाई को यहां से ले लिया। अब गले के इधर मैं आ गई हूँ, ये देखिए जैसे ग्लास शेप था ना वैसे की वैसे हमें इसको घुमा लेना है, ये देखिए थोड़ा ढीले हाथ से आपने लेस लगानी है, खींचना नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखिए, अब हम इसको फिर से कॉर्नर पे आए हैं सामने, तो हम इसको ढीले हाथ से ऐसे करके फिर कोना मैंने बना दिया है, और इसको मैं ऐसे के ऐसे, ये देखिए सिलाई के इधर जो इसका टिप है ना नेक का लेस का, वो सिलाई जो हमारी सिलाई का ये दिख रहा ना जो, इस पे आना चाहिए, और बस इसको नीचे से कपड़ा हटाते हुए हमने ये देखिए पूरी लेस को ऐसे लगाना है। एक साइड की मैं आपको लगा के दिखाऊंगी और दूसरी साइड से सेम ऐसे ही हम लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे लगती हुई ये जा रही है, और बहुत इजीली ये बनके रेडी हो जाता है, और आपने लुक तो देखा ही है कि कितना लाजवाब इसका लुक आता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम आ गए नीचे जो हमने खुला छोड़ा था, तो उसका जो ये हिस्सा है ना जो अंदर वाला है, हम उसको अंदर ना मोड़ के ना बाहर मोड़ देंगे, तो ये हमारा लेस में कवर हो जाएगा और हमें डबल सिलाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने इसको सीधी तरफ ही मोड़ लिया बाहर, ऐसे मोड़ते हुए हम लाए ना, तो इससे क्या हुआ कि बेनिफिट आप देख सकते हैं कि हमें फोल्ड नहीं करने पड़ेगी ये चाक। देखिए देखिए ऐसे करते करते पूरे में मैंने इसको लगा देना है, और अब हम नीचे आ गए हैं, तो इतना मैं नीचे में इसको फोल्ड कर दूंगी, और फोल्ड भी हम अंदर की साइड ही करेंगे, ये देखिए ऊपर से ही, देखिए, और नहीं भी फोल्ड करेंगे तो चलेगा क्योंकि अभी तो हमने नीचे इसका घेरा मोड़ना है। ठीक है, ये देखिए अब नहीं मोड़ो, अब इसको हम रिवर्स लेंगे, और जो ये कपड़ा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना धागे, इसको हम हाथ से अंदर कर लेंगे, ये देखिए, और अब इसको रिवर्स करते हुए हम स्टिचिंग करेंगे, ये देखिए। ठीक है, और जो ये एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कपड़े के हैं, इनको आप काट के अलग कर लें, सिंथेटिक फैब्रिक्स में धागे निकलते ही रहते हैं, ये देखिए इसको ऐसे करते करते ऐसे करते करते पूरे में कितने आराम से एक साइड की हमारी लग गई। और ये लेस टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड, आपका मन है तो लगाएं, आप बिना लेस के भी इसको बना सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, तो एक साइड की तो मेरी लग गई पूरे में, आपने देखा ही। ठीक है, अब सेम दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर समझाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने लेस लगा ली, आप देख सकते हैं, और ये नेक पे भी लगा ली, और बैक नेक भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हमारा शोल्डर का काम बचा है, तो नीचे फैला के मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी टेबल नहीं है कि टेबल पे ही आराम से आप देख सको। तो ये देखिए अब शोल्डर का काम बचा है, तो शोल्डर में हमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये हमारे शोल्डर बनेंगे दोनों साइड, तो हमें क्या करना है, ये देखिए यहां से बंद वाली साइड इधर देखिए आप, यहां से 8 इंच में छोड़ रही हूं इसको ऐसे ही। ठीक है, इसमें ना तो हम सिलाई करेंगे ना कुछ करेंगे। ठीक है, और जो ये बचा ना बाकी कपड़ा, इसका हमें शोल्डर तैयार करना है। तो शोल्डर कितना तैयार करना है सबका स्टैंडर्ड साइज ही मैं बता देती हूँ, जो वो लटकेगा यहां तक 14.5 इंच हमें रेडी रखना है। तो ये देखिए 14.5 इंच,
ये इतना रेडी होगा, और जो ये बाकी बचा ना, ये देखिए 12.5 इंच, इसकी हमें इसमें गैदर्स डालनी है, छोटी 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 गैदर्स डाल के, मतलब जो ये यहां तक हमें गैदर्स डाल के 15 इंच कर लेना है, 14.5 इंच, ठीक है, दोनों साइड इधर भी और उधर भी। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों देखो पहले इधर ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ेंगे ऐसे करते हुए कहीं कहीं पे छोटी छोटी चुन्नटे डाल लेंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, और इसको कितना कर लेना है चुन्नटे करके, 14.5 इंच दोनों शोल्डर को। तो दोनों छोटे छोटे चुन्नटे डालो और उसको रेडी करो। तो मैं दोनों साइड रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ चुन्नटे डाल के एक बार के कैसे चुन्नटे डाले और कैसे शोल्डर जोड़ना है हमने। ये गैदर्स मैंने डाल ली है दोनों साइड, ठीक है, ये देखिए इधर भी और इधर भी, और एकदम इक्वल मैंने डाली है छोटी 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 करके। उसके बाद हमने क्या करना है ना, जैसे उल्टा करेंगे इसको, जैसे शोल्डर ज्वाइंट करते हैं ना, यहाँ तक, जहां तक हमारी गैदर्स है यहाँ तक हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसमें लेस लगाना, तो पहले आप क्या करिए ना, ये देखिए आधा आधा इंच यहाँ छोड़ के यहाँ से रख के आप लेस लगा लीजिए पूरे में। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको हाथ से रख के, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको शोल्डर में भी लेस लगाना है ना, मैं लगाऊंगी, तो आप इसको ऐसे इतना दूरी पे लेस को पहले रखिए और चारों तरफ से घुमा के लगा लीजिए, ठीक है, सीधी सीधी सिलाइयों की सहायता से। और उसके बाद शोल्डर जैसे ज्वाइंट करते हैं यहां तक हम ज्वाइंट करेंगे। और अगर आपको सीधा ज्वाइंट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहां से पकड़ना है जैसे हम नॉर्मल शोल्डर ज्वाइंट करते हैं उल्टी तरफ करके, और शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं शोल्डर ज्वाइंट करके आपको एक बार मशीन पे भी दिखाऊंगी, और पहले मैं लेस लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे दोनों साइड लेस लगानी है। जोड़ लिया आधा आधा इंच छोड़ के, है ना, तो अब इसका शोल्डर ज्वाइंट करना है। मैं आपको एक शोल्डर ज्वाइंट करके दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे वाला नेक का हिस्सा आगे वाले नेक का हिस्सा ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और जो हमारी जो लेस की सिलाई है वो तो हमें समझ में आ ही जाती है ना कि ये हमारी लेस की सिलाई है, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे ना, ये देखिए जो हमारी फर्स्ट सिलाई है ना लेस की, ये देखिए ये वाली, ठीक है, यहां से करते करते हम इसको सिलाई करेंगे, देखिए देखिए, और करनी कहां तक है मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए जहां तक मेरी फ्रिल थी ना, बस वहां तक ही हमने स्टिचिंग करनी है। मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको दो बार ऐसे करूंगी, और ये देखिए ये इसको मैं आपको दिखाती हूँ कंकर, ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये कपड़ा है जो नीचे वाला, ये जो किनारी है, इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहां से हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसको फोल्ड करते जाना है, बस कुछ नहीं करना है, अंदर सिलाई, क्योंकि गोल्डन लेस है उसमें पता ही नहीं चलेगा कि स्टिचिंग कहां पे लगी है। ये देखिए पूरे में मैं इसको कवर करते हुए सिलाई कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए मैं फिर यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने डबल कर लिया, और अब मैं इसको निकाल के इसको एक बार आपको बाहर फैला के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स लेस मैंने लगा ली है और ये भी कर लिया है, अब हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे, और इसके बैक में जो प्लेट्स डालनी है वो डालेंगे, ठीक है। तो बैक हिस्से को मैं दिखाती हूँ आपको, तो हमें सबसे पहले बैक का सेंटर ले लेना है ऐसे करके, बैक नेक को आप शोल्डर से शोल्डर ज्वाइंट करिए, आप अपने बैक का सेंटर ले लीजिए। ये देखिए बैक नेक का सेंटर लेने के बाद हमें क्या करना है ना, शोल्डर से, ये देखिए 14 इंच हम नीचे आएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स शोल्डर से 14 इंच में नीचे आई हूं सेंटर में यहां पे, ठीक है। और हम एक प्लेट तो यहां डालेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 1.5 इंच चौड़ी सेंटर में एक प्लेट यहां, और एक इसके दूसरी साइड। तो मैं दूसरी साइड पे एक बार निशान लगा लेती हूँ इक्वल ना, ये देखो ये रहा, फिर इसको खोल के मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा सेंटर है। देखिए फ्रेंड्स बैक भाग का सेंटर हमने लिया, और उसके बाद निशान लगा लिया है मैंने अंदाजे के लिए। अब आपको क्या करना है ना, एक प्लेट तो इधर डालनी है और एक प्लेट हमने इधर डालनी है ऐसे करके, दो प्लेट डालनी है। तो ये देखिए मैं नीचे से इसको पकड़ूंगी ऐसे, और सबसे पहले जो दो प्लेटें हैं ना हमारी, ठीक है, इनको अंदर से सुई की सहायता से, ये देखिए सुई मैंने ली है और 4 गुना धागा डाला, चुहेरा धागा सुई में डाला, आप देख सकते हो,
और इन दोनों प्लेटों को ना हम सुई की सहायता से सिलेंगे, ये देखिए, ठीक है। दोनों प्लेट्स को मैंने सुई की सहायता से सिल लिया है, ये देखिए। और अभी सुई के धागे को हमने तोड़ना नहीं है, ये देखिए प्लेट्स हमने जो सिली ना, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट्स हमने सिली, आप देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है ना, ये एक डोरी ली है, ये देखो, ये मेरे पास एक डोरी है, ठीक है। इसका सेंटर निकालना है हमने डोरी का, ठीक है, निशान लगा लेना है डोरी के सेंटर पे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्लेट डाली है ना मैंने, अभी सुई को तोड़ा नहीं है, सुई मेरे अंदर ही है, और हमने एक डोरी लेनी है। डोरी आप कपड़े की भी बना के ले सकते हो, अपनी कमर से 15 इंच ज्यादा ले राउंड वेस्ट से बांधने के लिए, ठीक है। और इसका सेंटर मैंने निकाला है, ये देखिए, अब जहां मैंने प्लेट डाली है ना उल्टी साइड में, वहीं आऊंगी, ये देखिए, ये मेरे सेंटर में प्लेट है, इस डोरी के सेंटर को मैं यहां रखूंगी, ये देखिए, और इस डोरी को मैं ऐसे करके अटैच कर दूंगी, ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके 7-8-9 बार इसको हम कम से कम घुमाएंगे यहां से, और 4 गुना धागे से आपको इसको घुमाना है, ये देखिए, ये देखिए, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोरी भी मेरी लग गई, और ये डोरी अंदर जाएगी, फिर बाद में बाहर आएगी, ठीक है। बाहर कहाँ से आएगी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखिए, जो हमने ये डोरी लगा, जो बाजुओं का हमने रास्ता छोड़ा हुआ है ना हाथ डालने के लिए, एक हिस्सा हमारा इधर से बाहर आएगा, ये देखिए, और दूसरा हमारा दूसरी साइड से बाहर आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे, ठीक है, ये देखिए, है ना, तो ऐसे ही हमारे रिश्ते बाहर आएंगे। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको जरा दिखाती हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऐसे है कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी डोरी को देखो ऐसे, और ये डोरी जब आती है ना, आप कपड़े की डोरी भी लगा सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इसका लुक आने वाला है, और ये इसकी बैक है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही इसको ऐसे करना है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, और बैक में जोड़, मैंने बताया ना मेरे पास कमरा कपड़ा कम था, इसलिए बैक में जोड़ा है, अदरवाइज सिर्फ फ्रंट में ही जोड़ आता है। तो मैं ना बेल्ट के साथ भी इसको टक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे बेल्ट डोरी नहीं लगानी है, तो डोरी को आप अंदर कर दो, और इसका दूसरा लुक देना है, तो बेल्ट लो, बेल्ट को रिवर्स क्रॉस करो, आपकी जो बेल्ट है, और ये देखिए उसको ऐसे करके कुछ, एक मिनट में इस डोरी को हटा देती हूँ, पीछे कर देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बेल्ट को ऐसे लगा सकते हैं, तो एक लुक हमारा इससे ये क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और बेल्ट हटाने के बाद तो आपको पता ही है कि वो डोरी है, डोरी को हम बांधेंगे तो आपका इस तरह का कुछ लुक क्रिएट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, मैं आंसर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।